नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। दिल्ली में परराष्ट्र मंत्री महता भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीच भेंटवार्ता, प्रचंड भ्रमण राजकीय हेत। सरलाही के हरिओन में यात्रु वाहक बसक ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के मृत्यु। जनकपुर भिठामोड़ सड़क में मानव सांगलो प्रदर्शन, मंगल दिन से महतरी के पिपरा में आमरण अनशन शुरू हेत। प्राविधिक समिति सप्ताह अंत धरि धनसा में गांव पालिका आ नगर पालिका के नक्शांकन सीमांकन की सिफारिश कलक। आ भारत शासित जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मी आ विद्रोही बीच भेल भिड़ंत में 7 गोटे के मृत्यु। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के आगामी बृहस्पति दिन से होबय वाला भारत भ्रमण के क्रम में पेंडिंग में रहल विकास के बड़का परियोजना सबके आगू बढ़ावे के विषय में मुख्य एजेंडा बनाब के सहमति भेल। प्रधानमंत्री दाहाल के भ्रमण के तैयारी के लिए हाल भारत भ्रमण में रहल परराष्ट्र मंत्री प्रकाश शरण महत भारतीय पक्ष के ई जानकारी करौलेने। भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराज संघक भेंट में महत रोकल गेल किछ बड़का विकास के परियोजना के तत्काल आगू बढ़ाव सकल ऐसे दू देश के संबंध में एक विश्वास के आधार तैयार हाथ जानकारी करौने। भेंटघाट के बाद संक्षिप्त बातचीत करते महत नेपाल के प्रस्ताव से भारत के सकारात्मक रूप लेने आ विभिन्न तह में इस विषय में लगातार छलफल कर के समझदारी बनल जानकारी दिलत। महत भेंटघाट बेसी सौहार्दपूर्ण आ फलदायी रहल आ अपने नेपाल के एजेंडा सबके स्पष्टता के संग रखने से हो बतौलत। पिछला समय में नेपाल में भारत बेसी परियोजना सब होल्ड केने मुदा वही के समय में पूरा नहीं केने आलोचना भ रहा समय में वर्तमान सरकार ई परियोजना सबके उच्च प्राथमिकता देने पाल गेल। सबसे बेसी उच्च प्राथमिकता में पंचेश्वर परियोजना रहल। प्रधानमंत्री दाहाल के भारत भ्रमण के समय में पंचेश्वर के संयुक्त डीपीआर के अंतिम रूप देव के नेपाल पक्षक तैयारी है। अ विषय में महत स्वराज आ ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल संग भेंटघाट कलने। अमे विशेष क परियोजना के मूल्य के केना का निष्कर्ष लगाल जा विषय में बात नहीं मिलल। मूल्य केना निर्धारण कैल जा, कोष के व्यवस्थापन केना कैल जा आ परियोजना के निर्माण के विषय के आगू बढ़ाव के विषय डीपीआर संग संबंधित रहल। हुलाकी राजमार्ग निर्माण प्रक्रिया के जल्दी से जल्दी आगू बढ़ाव के नेपाली पक्षक तैयारी रहल। अ विषय में सेहो महत भारतीय पक्ष संग बातचीत रखलन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल हुलाकी रोड निर्माण के तत्काल आगू बढ़ाव चाहने छथ स्रोत के कहबै छ। मुख्य कंसल्टेंट नियुक्त कर के आ फंडिंग गैप के विषय हुलाकी रोड के मुख्य विषय है। भेंटघाटक क्रम में महत भारत एक तरफी रूप में निर्माण केने संरक्षण तथा बांध के कारण से नेपाली भूभाग डुबान में पड़ल विषय के उठान केने है। ऐसा आगू दू देश के संयुक्त टोली एकर संयुक्त अवलोकन भ्रमण कर के सहमति बनल छल। विशेषतः सीमा क्षेत्र भारत एक तरफी रूप में निर्माण केने सड़क संरचना सबके कारण नेपाली भूभाग डुबान में पड़ित है। नेपाली चाय अदुआ तथा छल्ला लगायत के वस्तु सब भारत निर्यात में देखल कठिनाई सबके संबंध में सेहो महत आ भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के विषय में बातचीत भेल। भारतीय पक्ष ओहन समस्या सब द्विपक्षीय संयंत्र के माध्यम से समाधान कर के आश्वासन देने स्रोत बताने है। तहिना क विशाखापट्टनम बंदरगाह में नेपाली कार्यालय खोल के तथा जल्दी से जल्दी वही के संचालन में आने के विषय में सेहो दू देश के विषय में बीच में बातचीत भेल। तहिना क भारत हाल साले में वाटरवेज के निर्माण धमाधम शुरू कला से नेपाल सेहो कोसी आ गंडकी नदी में वाटरवेज संचालन कर के विषय में बातचीत भेल। तहिना क अपने निचला अरुण परियोजना के आगू बढ़ावा चाहने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के संदेश सेहो महत भारतीय पक्ष के देने अछि। एहि विषय में सेहो प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के समय में बातचीत होयत। महत पावर ट्रेड एग्रीमेंट के कार्यान्वयन में देखल गेल समस्या सबके सेहो समाधान कर आग्रह कयने छथि। नेपाल में बड़का जल विद्युत आयोजना सब बनला के बाद भारत में बिजली बेचक के लेल कोनो कानूनी अड़चन नहीं हाथ नेपाली पक्ष कहब रहल। तहिना क महता स्वराज के बीच में प्रधानमंत्री दाहाल के भ्रमण के बाद संयुक्त कमीशन के बैसार क द्विपक्षीय एजेंडा के आगू बढ़ाव के सहमति भेल छल। कमीशन के बैसार अगला महीना तय हो तो नेपाल में भेल सरकार परिवर्तन के कारण रोकल गेल छल। महता स्वराज के भेंटघाट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर पारस्परिक चाह के विषय में बातचीत भेल बताने आई छ। एना कह कर द्विपक्षीय संबंध में समग्र विषय सब में सेहो छलफल केने भारतीय विदेश मंत्रालय जनौलक है। संगे दू पक्ष वर्षों से गहिर संबंध के मजबूत कर के प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने है। तहिना कह कर व्यापार वाणिज्य पारस्परिक लगानी डिफेंस सिक्योरिटी विकास साझेदारी पूर्वाधार निर्माण एनर्जी आ जल स्रोत संग संबंधित विषय में बातचीत भेल।
भारतीय विदेश मंत्रालय के विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। भेंट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ट्वीट मार्फत महता स्वराज के भेटघाट से नेपाल के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण भ्रमण के आधार तैयार केने बतौलन अछि। महत भारतक ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल संग जल स्रोत परियोजना सब संग विद्युत आयत लगायत के विषय सब में बातचीत कने छलथ। अहिना जल स्रोत मंत्री उमा भारती संग सेहो महत भेटघाट कने छलथ। ऐसे आगू महत भारत के विभिन्न राजनीतिक दल तथा कूटनीतिज्ञ सब संग ब्रेकफास्ट बैसार के आयोजना कने छलथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल के भ्रमण के तैयारी के लिए रवि दिन भारत के भ्रमण में पहुंचल महत आई काठमांडू घूर के कार्यक्रम रहा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के हासन भारत भ्रमण राज्य होबय वाला अछि। परराष्ट्र मंत्रालय सोम दिन प्रधानमंत्री प्रचंड के 30 गते से होबय लागल भारत भ्रमण के विषय में जानकारी करौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नेतृत्वक प्रतिनिधि मंडल में परराष्ट्र मंत्री प्रकाश शरण महता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रमेश लेखक कक दू गोटे मंत्री रहत। परराष्ट्र मंत्री महत प्रधानमंत्री के भ्रमण के तैयारी के क्रम में अखन दिल्ली में छथि। आज सोम दिन भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराज से भेंट कलथ। प्रधानमंत्री प्रचंड आ फर्स्ट लेडी सीता दहाल के भारत राष्ट्रपति भवन में राख वाला अछि। 31 गते प्रधानमंत्री प्रचंड के राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देल जायत। वह दिन प्रचंड भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी से भेंट करता। भारतीय सरकार के किछ मंत्री सब सेहो प्रचंड के भेंट के परराष्ट्र कार्यक्रम रहल। परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि भारत भ्रमण के क्रम में प्रचंड सहितक टोली आसीन 1 गते हिमाचल प्रदेश में रहल नथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अवलोकन भ्रमण करता। 2 गते हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ जेता आ वह दिन नेपाल घूर के कार्यतालिका अछि। भारत भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड दिल्ली में भारतीय उद्योगी सब संग अंतरक्रिया कर के कार्यक्रम से हो रहा अछि। सरलाही के हरिओन में यात्रुवाहक बस मोटरसाइकिल के ठक्कर देला के बाद मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एक पैदल यात्री सेहो घायल भेल अछि। बीतलायत पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हरिओन नगरपालिका 11 स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय आगू काकड़ भिट्ठा से धनगढ़ी दिश जा रहा मे 1108 नंबरक बस ना 29/353 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। मृत्यु हो वाला में मोटरसाइकिल चालक हरिओन नगरपालिका 1/17 वर्षक विशाल श्रेष्ठ मोटरसाइकिल के पाछू बैसा वाला हरिओन नगरपालिका 11 के 19 वर्षक अमीर जंग थापा आ वह स्थान के 19 वर्षक विकास बिकर रहल सरलाही के एसपी उत्तम राज सुवेदी जानकारी देलथ। 2 गोटे के नमूना अस्पताल हरिओन में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। 1 गोटे के चुरे हिल हॉस्पिटल हेठौड़ा में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिओन जनतब देने अछि। मोटरसाइकिल रास्ता पार कर लागल समय में बस ठक्कर देने प्रत्यक्ष दर्शी सबके कहबे छ। दुर्घटना में घायल पैदल यात्री हरिओन नगर पालिका 11 के पवन खोजू श्रेष्ठ नमूना अस्पताल में इलाज के बाद घर घूरल छ। बस आ बस चालक झापा में चिनगर 3 के 42 वर्ष का राजन बूढ़ा तोकी आ मोटरसाइकिल इलाका प्रहरी कार्यालय हरिओन के नियंत्रण में रहल छ। जनकपुर भिठामोड़ सड़क संघर्ष समिति 2 हफ्ता पहिने तय कयल गेल आमरण अनशन के कार्यक्रम आई से महतरी के पिपरा में शुरुआत कयल जाते स्पष्ट कलक अछि। संघर्ष समिति के संयोजक एवं बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा काल पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कह आई से 11 बजे से महतरी के पिपरा में आमरण अनशन पर बैसक के जानकारी देने अछि। भौतिक योजना तथा यातायात मंत्री रमेश लेखक शनि दिन जनकपुर भिठामोड़ सड़क के शिलान्यास करतो। अपना सबक मांग बमोजिम 6 लेन सड़क बनाब संगे आन आन मांग सब के प्रतिबद्धता नहीं आल कहते आमरण अनशन पर बैसब स्पष्ट कलन अछि। आमरण अनशन पर शर्मा संगे सत्येंद्र यादव, रमन कुमार ठाकुर, रंजीत राय आ दीपा झा बस्ती। शर्मा संयोजक रहल संघर्ष समिति 6 लेन सड़क बनाब के मांग अतिरिक्त पेटी ठेकेदार नहीं भ मुख्य ठेकेदार संग काज होब चाही। सड़क निर्माण के अनुगमन के लिए सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयंत्र गठन कर तथा निर्माण समझौता बमोजिम 3 वर्षक म्याद बहुत बेसी समय भेल कहित 15 महीना भीतर निर्माण संपन्न कर आ दसई से पहिने पूर्ण मरम्मत संभार कर के मांग रखने अछि। संघर्ष समिति मतरी धनसा जैसे सत्येन्द्र यादव युवा नेता हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र को जैसे रमन कुमार ठाकुर आरके रोशन वहाँ चाहे युवा नेता हुनुहुन्छ तमलोपा को जैसे रंजित राज मधेसी स्वतंत्र मधेसी गठबंधन को हुनुहुन्छ युवा नेता हुनुहुन्छ जैसे दीपा झा स्वतंत्र नागरिक महिला हुनुहुन्छ। हामी 5 जना प्रथम चरण में हामी बस्दैछौं र हामी घोषणा आज गरेका छौं। हामी संकल्प लिएका छौं, हामी शपथ खाएका छौं कि हामीले नेपाल सरकारसँग राखेका 6 लेन लगायतका 5 बुदे मागहरू
सरकारले कार्यान्वयन गर्ने घोषणा नगरेसम्म वा हामीसँग सम्झौता नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। जनकपुर बिठामोड सडक खण्डके तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गरेको लक्ष्य सहित 93 करोड रुपियाँको लागतमै दु गोटे ठेकेदार कम्पनीको जिम्मेवारी दिल गेलै छ। जनकपुर बिठामोड सडक के छ लेन के बनाव के मांग करके नया शक्ति नेपाल पार्टी मानव जंजीर प्रदर्शन केलक। जनकपुरक बेलापुल से शुरू भेल मानव जंजीर पार्टी के नेता सबक संगे विद्यार्थी सबके सेहो उपस्थिति रहल छल। बीतल 24 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्री रमेश लेखक 4 लेन के सड़क बनाव के योजना विधिवत शिलान्यास कने छलथ, मुदा ओहि से आगू सड़क बनाव दबाव देव के उद्देश्य से गठित संघर्ष समिति सड़क 6 लेन के मांग करते आयल। आंदोलन होब कि भेला के बाद मंत्री आंदोलन कमजोर कर लेला, जनता के ठग लेले शिलान्यास केने कहित पार्टी के युवा तथा युवा नेता शंभु शाह सड़क बनाव 3 वर्ष समय तोकने आ वो जनता के ठक के काम मात्र भेल दावी कल। 205 रोड में क्लियर करेंगे पहले, लेकिन जे रोड 105 फीट पहले है वही में 6 लाइन करे है, आई में 4 लाइन करी, भेदभाव कैला वो सब जल्दी से सड़क बनाव। सड़क कात के जनता सब दबाव मुलुक आंदोलन के कार्यक्रम सब कर आवश्यकता में जोर देने छल। यद्यपि मानव जंजीर में सड़क कात के लोकसभा न्यून उपस्थिति देखल गेल। जनकपुर बिठामोड़ सड़क खंड निर्माण के शिलान्यास हुईतो निर्माण के लिए गठित दबाव तथा संघर्ष समिति आमरण अनशन के कार्यक्रम के कोनो बदलाव नहीं केने स्पष्ट करत आई से आमरण अनशन पर बैसब प्रश्न केने आई से जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ। सड़क सुधार तथा निर्माण संबंध में समिति तय केने आमरण अनशन के निरंतरता देव संबंध में अहाँ के कहब की अच्छे अहाँ के बात जहाँ सब बड़ निक कल के कारण एक सबके सरकार के खाली सिर्फ समझौता करो जो कार्यान्वयन पर चेकर जीरो समझौता के खाली करित गेल कोरोना आंदोलन शांत भेल फिर अपन जे छै से रोटी से कटि गेल। हम ई का क्षमता रहे दो जे जनता सब पीर मार्का में छै से का चल दो बुझल अपन संघर्ष में रहो मरण करो हरण करो वो अलग बात है, मगर जे बने जा रहा छै ते दिन के दुर्गति जनता से ही नहीं छै। हुनकर विरोध नहीं करब, मगर हम अते जरूर कह चाहबे कि जे 4 लाइन निर्माण के क्रम छै वो 4 लाइन निर्माण क्रम होए आ वही के बाद 6 लाइन के बाद छै तो 6 लाइन तो जे 4 लाइन बनते तै के बादो में 2 लाइन थपल जा सके छै। आवश्यकता बुझलिए एकरा 6 लाइन बनाबे के तो 6 लाइन बना रहल छै, ओकरा 4 लाइन के आवश्यकता भेलै 4 लाइन। हम सब तो कहै छी जे कोना रोड बन जाए आ राम कुमार जी के असल मनसा छै जे रोड कोना उहो ई जनकपुरो जे ठीक बंद भ जाए आ इहो रोड जे छै से बंद भ जाए आ सब चालू इहे रस्ते छै इहे बढ़िया होके चाही। जनकपुर हमरा सबके जे है ना बिठामोड़ सड़क भारत और नेपाल के सेतु के काम करे एहन अवस्था में अभी रोड के चाप है ऐतिहासिक सांस्कृतिक दोनों हिसाब से इस सड़क चौड़ा होबे के चाही, अन्य सड़क से बढ़िया होबे के चाही, राम जानकी के विवाह उस सब के हिसाब से भी सड़क 6 लाइन जो है एकदम यथार्थ मांग है के लिए जो है सरकार के सुन के चाहिए। स्थानीय निकाय के सीमांकन सहित के प्रतिवेदन सिफारिश कर जिला में गठित प्राविधिक समिति सप्ताह के अंत धरि में धनुषा में गांव पालिका और नगर पालिका के नक्शांकन सीमांकन के सिफारिश कर चुका जनौलक। सीमांकन सीमा निर्धारण आयोग 3 दिन भीतर प्रारंभिक प्रतिवेदन बुझाव धनुषा के प्राविधिक समिति के बृहस्पति दिन ताके ताके ने छल। समिति के म्याद बीतला के बाद 1 सप्ताह के समय मांग कलक। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा मधेश के मांग पूरा नहीं होब धर सीमांकन नक्शांकन कर नहीं देव आरान रखत समय जिला स्थित प्राविधिक समिति प्रतिवेदन लगभग तैयारी अवस्था में रहल जनौलक। धनुषा के निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर शाह राजनीतिक दल बुद्धिजीवी आ नागरिक समाज सहितक छलफल कार्यक्रम से आयोग के मापदंड बमोजिम स्थानीय निकाय के संख्या आ सीमांकन क चुकल जनौलन। ओ आयोग के मापदंड बमोजिम धनुषा में 4 टा गांव पालिका होब के जनौलक। समिति 5 नगरपालिका आ 1 टा उप महानगरपालिका के यथावत राखि 75 गाविस के जोड़ के 4 टा गांव पालिका तैयार कलक। राजनीतिक दल सब कमती में 15 टा स्थानीय निकाय गठन होब के मांग आ तर्क आगू रखने अच्छे। समिति आयोग के मापदंड आधार अनुसार स्थानीय निकाय के संख्या 10 होब जका स्थानीय निकाय के प्रस्ताव कलक। समिति तैयार केने प्रतिवेदन अनुसार ओ के अतिरिक्त 6 टा विकल्प सब दिल गेल।
हम कहलिए दौसा जिला के 10 को पॉइंट है, यदि 11 टा भ सके अथवा 12 टा भ सके, जो जनता के डिमांड है वो एक तरफ रहते और मापदंड जो है से ओकर डिमांड वही अनुसार हम सब एक दो तीन किस्म के हम सब बना करके भेज रहे जो जनता के डिमांड है। कोई कोई कह रही है 11 टा बनाए जाओ, ई गाँव विकास एहि में राखू वही में राखू, तो वही हिसाब से यदि 10 टा से 11 यूनिट भरल हम सब आवेश कर रहा छी के कोनो निमित्त अधिकारी सह कांग्रेस एमाले या माओवादी केन्द्र सहमे देखल गेल हो तो मधेशवादी दल सब बैसार में अवरोध करे ताई लेल अंतिम छलफल तथा सिफारिश के लिए बैसार कर नहीं सकल जनौलन। जनकपुर जेसी सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम कलक जेसी अपन पदाधिकारी सहित कपिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में वृक्षारोपण कलक लोहा के तार आ बांस के सुरक्षा घेरा सहित वृक्षारोपण कार्यक्रम में दर्जनों युवा तथा स्थानीय राजनीतिक दल के नेता सबक से उपस्थिति रहल छल। वृक्षारोपण आगू कपिलेश्वरनाथ युवा कमेटी के भवन में जेसी के अध्यक्ष सुधीर परियार के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बजट प्रमुख अतिथि जेसी संतोष आ आमा माय बच्चा के जन्म द चुकला के बाद करे वाला पालन पोषण जका वृक्ष सबके सेहो संरक्षण आ देखभाल नहीं कलक वातावरण के सुरक्षा होब नहीं सकत बताने छल। कार्यक्रम में आशीष सर्राफ, तेजी राजा भगत, लक्ष्मी नारायण शाह सहित उपस्थिति छल। दोसर दिन वृक्षारोपण के ने जसिस, तेसर दिन अर्थात आई जनक चौक में रक्तदान के कार्यक्रम के आयोजना करल। प्रत्येक वर्ष जका अहू वर्ष सेहो धनसा के शिरसरनाथ नगर पालिका अंतर्गत महेंद्र नगर में कलवार समुदाय के आराध्य देव श्री बलभद्र भगवान की विधिवत कलश यात्रा तथा पूजा पाठक आयोजना कयल गेल। कलवार तथा भगत जाति के कुल देवता के रूप में मनाओ वाला भगवान कृष्णक भैया बलराम अर्थात बलभद्र के प्रतिमा स्थापना का प्रत्येक भाद्र शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन भव्यता के साथ पूजा पाठ का मनबैत आब रहा नेपाल ब्याहुत कलवार संघक अध्यक्ष बेजू साहब बतबे। पूजा के अवसर में कलश यात्रा से निकालल गेल। नेपाल ब्याहुत कलवार संघ महेंद्रनगर धनसा द्वारा भगवान बलभद्र के निर्माणाधीन मंदिर से कलश यात्रा शुरू कने छल। महेंद्रनगर के नया बाजार से शुरू भेल कलश यात्रा दुधमती पोखर के जल भर के पुनः सयों के संख्या में निकलल शोभा यात्रा कलवार सेवा समिति में पहुंचल छल। जल भर के कलवार सेवा समिति में पहुंच कर धूमधाम के संग पूजा पाठ कयल गेल छल। पूजा पश्चात प्रसाद आ भोज के सेहो आयोजना कयल गेल। संघक अध्यक्ष साह बतौलन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के सब संकाय के परीक्षा फल सोम दिन सार्वजनिक कयलक। परीक्षा नियंत्रक संतोष अर्याल के अनुसार 12 कक्षा के नियमित दिस 48.17% विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल। नियमित दिस परीक्षा में 175,593 विद्यार्थी सहभागी 84,593 विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल। अहिना का आंशिक दिस 123,121 विद्यार्थी परीक्षा देने में 48,763 गोटे उत्तीर्ण भेल। 39.59% भीतर बैसाख 20 से शुरू भेल व्यवस्थापन मानविकी आ शिक्षा लगायत सब समूह के नतीजा सार्वजनिक कयल गेल। विज्ञान समूह के ऐसा आगुए परीक्षा पर प्रकाशन भ चुकल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल विकास आयोजना सबके काम अबेर होब में संलग्न दोषी के पहचान ओकरा सबके कार्रवाई के दायरा में आना मंत्री सबके निर्देशन दे रहे। प्रधानमंत्री दहाल सोम दिन भिनसर में राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति के 37वां बैसार के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग के सभा हॉल में उपस्थित मंत्री सबके 11 महीना हाथ बांध के बैसके आ अखाड़ महीना में आबिक मात्र खर्च कर भ्रष्टाचार करे वाला सबके कार्रवाई के दायरा में आना निर्देशन दिलेन। वो विकास आयोजना सबके काम में ढिला सुस्ती करे वाला सबके पहचान के लिए अपने पूर्व सलक पश्चिम धरि रहल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके अनुगमन कर बतौलन। वो सरकार के मुख्य प्राथमिकता में निर्वाचन क संविधान कार्यान्वयन करते तो वही के बहाना में विकास निर्माण के काज के विसरण नहीं चाहिए बतौलन। प्रधानमंत्री दहाल मंत्री आ सचिव सब अपन मंत्रालय अंतर्गत के विकास आयोजना सबके अनुगमन करित काल काज करे वाला सबके प्रोत्साहित होब के आ काज में ढिला सुस्ती करे वाला सबके कार्रवाई के दायरा में आना मदद पहुंचत कहित विकास आयोजना सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन कर मंत्री सबके निर्देशन दिलेन। सरकार सवारी दुर्घटना में यात्रु के मृत्यु या अंग भंग भेल त चालक के लाइसेंस खारिज करे जका कानून संशोधन कर प्रस्ताव कलक।
सरकार सार्वजनिक सवारी साधन के दुर्घटना न्यूनीकरण कर के प्रयास स्वरूप यात्रु के मृत्यु या अंग भंग भेल त चालक के लाइसेंस खारिज कर जका सवारी तथा यातायात व्यवस्था संबंधी कानून संशोधन के प्रस्ताव कल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रमेश लेखक व्यवस्था विकास संसद के सोम दिनक बैसार में सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोसर संशोधन विधेयक पेश कलनाई विधेयक में सीट संख्या से बेसी यात्रु लजा के सवारी साधन के चालक के लाइसेंस 6 महीना के लिए खारिज कर प्रस्ताव कल गया है। खास कर ग्रामीण क्षेत्र के सड़क सब के सीट क्षमता से बेसी यात्रु रखने कारण बस आ जीप के दुर्घटना बढ़ला के बाद वही के रोक विधेयक में सीट क्षमता से बेसी यात्रु ढोब वाला सवारी साधन के दर्ता तथा रूट इजाजत 6 महीना निलंबन कर से प्रस्ताव कल गया है। विधेयक में मालवाहक सवारी साधन यात्रु ढोने यात्रु वाहक सवारी साधन माल सामान बोकने पर्यटकीय बस गैर पर्यटक बोकने तथा लंबा दूरी में चल वाला बस 6-6 घंटा में चालक परिवर्तन नहीं केने चालक सबके लाइसेंस सवारी साधन के दर्ता आ रूट इजाजत 6 महीना के लिए निलंबन कर प्रस्ताव कल गया है। विधेयक ऊपर संसद में छलफल होब बाकी रहा है। संसद बैसार में सोम दिन श्रम विधेयक पेश भेल। श्रम तथा रोजगार मंत्री सूर्यमान गुरुंग विधेयक पेश कने संसद के बैसार वन मंत्रालय संग संबंधित दुटा विधेयक दफावार छलफल के लिए संसदीय समिति में पठौलक बैसार से वनस्पति विधेयक आ संकटापन्न वन्य जंतु तथा वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण विधेयक दफावार छलफल के लिए वातावरण संरक्षण समिति में पठौलक। मंत्री सरकारी कर्मचारी या सांसद सबके INGO के कार्यक्रम में ज्या से रोक लगाव परत मांग उठल INGO के कार्यक्रम में सहभागी भेला के बाद ओकर असर नीति निर्माण में पड़ल कहते स्वयं सांसद सब एहन मांग केने व्यवस्थापिका संसद के सोम दिन के बैसल बैसार में नेपाली कांग्रेसक सांसद रामहरि खतिवड़ा INGO सब से विदेश भ्रमण के लिए उप सचिव के नौता आयल कार्यक्रम में सचिव आ सचिव सबके नौता आयल कार्यक्रम में मंत्री जा के प्रवृत्ति रहल कहते सरकारी ढुकुटी से तल भत्ता खाएवला सबके INGO के कार्यक्रम में सहभागी होब नहीं देव चाहे बतौलन। उप्रमुख जिलाधिकारी सबके NGO के कार्यक्रम में सहभागी नहीं होना कैल गेल सर्कुलर कार्यान्वयन के लिए मंत्री आ सचिव सबके INGO के नौता में विदेश जाय देव नहीं चाहिए बतौलन। गृह मंत्रालय 3 सप्ताह पहिने सब जिला के प्रमुख जिलाधिकारी सबके NGO INGO के कार्यक्रम सब में सहभागी नहीं होब पत्र मार्फत निर्देशन देने छल। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद दिल्ली प्रसाद काफले सरकारी नीति नियम में INGO के छाइन पर नहीं देवल सांसद सबके INGO के संग कार्यक्रम समय ध्यान नहीं देव चाहिए बतौलन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कर्मचारी के 10 लाख घुस दैत काल पकड़ाउ पड़ल। दू गोटे धरोटी में छूटल। बुद्ध एकेडमी आवासीय मावी जोर पार्टी के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष छिरिंग बांगेल शेर्पा आ अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघ का अध्यक्ष सोनाम छिरिंग शेर्पा अख्तियार कर्मचारी के 10 लाख घुस देव के क्रम में भादव 6 गते पकड़ाउ पड़ल छल। वो सब मुद्दा कमजोर कर अख्तियार के कर्मचारी के घूस के प्रस्ताव केने छल। उनका सब विरुद्ध अख्तियार विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर केने छल। अदालत उनका सब के सोम दिन धरोटी में छोड़ने आई है। जन ही 5-5 लाख रुपया धरोटी में रिहा कर आदेश देने रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल जनौलन। कर्णाली में जन्म मृत्यु संस्कार होत काल प्रति परिवार 20 किलो अनुदान में चाउर वितरण करके प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के घोषणा के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन बहादुर शाही असंतुष्टि जनौलन। हुमला जिला के क्रम में सोम दिन सुर्खेत विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करते मंत्री शाही अपने कर्णाली क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करवला हो तो प्रधानमंत्री कोनो परामर्श बिना लेने असंतुष्टि जनौलन। वही क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करवला एकमात्र कैबिनेट मंत्री छी। प्रधानमंत्री एहि विषय में हमरा पूछने रहे ता और निक से सलाह दीती ओ कहलन जे मुदा ओहन नहीं भेल संबोधन करते हम हुनका से भेट कर असंतुष्टि जनौली। प्रधानमंत्री के संबोधन से मात्र कर्णाली के खाद्य संकट समाधान होब नहीं सकत हुनकर कहब छलन। गंगा माया बचाओ अभियान आरोपी छविलाल पौडेल के तत्काल पकड़ाव का कार्रवाई प्रक्रिया आगू नहीं बढ़ल त अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत में जाकर चेतावनी दिलक। बेटा कृष्ण प्रसाद अधिकारी के हत्यारा के कार्रवाई के मांग करते गंगा माया अधिकारी 32 दिन से वीर अस्पताल में आमरण अनशन में बैसल। अधिकारी के अवस्था गंभीर बनत गेल कहते अभियान सोम दिन पत्रकार सम्मेलन कह हुनकर जीवन रक्षा के लिए सरकार के मुख्य आरोपी पौडेल के तत्काल पकड़ परत मांग रखल। अभियानकर्ता ओम प्रकाश अरियाल सर्वोच्च अदालत से हत्या के मुख्य आरोपी के तत्काल पकड़ाव कर आदेश देने उल्लेख करते राष्ट्रीय कानून बमोजिम कार्रवाई नहीं कल गया तो अपने सब अंतर्राष्ट्रीय कानून बमोजिम आगू बढ़ के चेतावनी देने आई। अभियानकर्ता प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ चितवन जिला अदालत अस्पताल में आबि के बयान लेने हो तो अधिकारी बाज नहीं सकते अवस्था रहा जनबित सरकार के गंभीर होबा आग्रह कने।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्षमै प्रजातान्त्रिक समूहक डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ विजय भएल छ त। ओ 1652 मत प्राप्त कक विजय भेला था। हुनकर प्रतिद्वन्दी डाक्टर रमेश ढकाल 1132 मत प्राप्त कयलनि। कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक समूह एक कोषाध्यक्ष पद बाहेक अन्य सब पद में विजय प्राप्त कयने अछि। ऐना कक वरिष्ठ उपाध्यक्ष में डाक्टर ढुण्डीराज पौडेल, उपाध्यक्ष में डाक्टर मुकुन्द दाहाल, महासचिव में डाक्टर लोचन कार्की विजय भेल छथि। एशिया के नोबेल पुरस्कार मानल जाए वाला मैग्सेसे पुरस्कार विजेता शक्ति समूह के अध्यक्ष सुनीता दनवार अपने मुंबई के वेश्यालय में बेचल गेल कथा के पुस्तक में उतारने छथि। दनवार मुंबई के वेश्यालय में बेचल गेल कथा तथा मुंबई से घुरला के बाद केने संघर्ष एवं सफलता के समावेश क आंसू को शक्ति नामक पुस्तक लिखने छथि। दनवार के पुस्तक सोम दिन काठमांडू में एक समारोह के बीच नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कैलथ। दनवार बेचल गेल यौन हिंसा के शिकार बनल महिला सब के ऊर्जा देव सकल जाए कह के उद्देश्य से अपन संघर्षक कथा के पुस्तक मार्फत सार्वजनिक कने बतालन। शक्ति समूह के अध्यक्ष दनवार महिला तथा बाल बालिका सबके बेचबिखन रोक लेल बेचबिखन में संलग्न सबके कार्रवाई के दायरा में आना पड़त बतालन। 14 वर्ष के उम्र में मुंबई के कोठी में पहुंचाओल गेल दनवार अपना जेहन बेचल गेल महिला सब संग मिलकर 2057 साल में स्थापना केने शक्ति समूह के महिला तथा बाल बालिका के बेचबिखन नियंत्रण में प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह केने कहित मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन 3 वर्ष पहिने अवार्ड प्रदान केने छल। आब इकोनॉमिक न्यूज। एसआरजे ग्रुप के सीजी गोल्ड सीमेंट जनकपुर में अपन विक्रेता सब संग साक्षात्कार कलक। व्यापार अखुन आरो प्रवर्धन करके आ निक से व्यापार केने धनुषा महतरी सिरा आ सरलाही जिला के डीलर आ खुदरा विक्रेता सबके प्रोत्साहन करे के उद्देश्य से आयोजना कैल गेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में कंपनी के जीएम अखिलेश सिंह कुमार सिंह, निर्देशक श्याम सुंदर पेरुनल, बिक्री वितरण आ बाजार प्रमुख विष्णु भट्टराय सहित सब अपन उत्पादन के विशेषता आ बाजार प्रवर्धन केना कर अपनाव वाला उपाय सबके विषय में विक्रेता सबके सुझाव देने से लेते। कार्यक्रम में समय में अत्यधिक बिक्री वितरण कर वाला आ कंपनी संग समय में कारोबार कर वाला दू उत्कृष्ट विक्रेता सबके रेफ्रिजरेटर उपहार स्वरूप प्रदान केने छलता। विभिन्न जिला में गांव से लकर शहर धरि विक्रेता सबके उपहार स्वरूप गिफ्ट हैम्पर सेहो प्रदान कयल गेल छल। कार्यक्रम के अंत में विक्रेता सबके लेल सांस्कृतिक कार्यक्रम के सबके सेहो आयोजन कयल गेल छल। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मी आ विद्रोही बीच भेल भिड़ंत में 7 गोटे विद्रोही के मृत्यु भेल। कश्मीर के पुंछ में 5.5 घंटा देर चलल भिड़ंत के क्रम में 4 गोटे विद्रोही मारल गेल भारतीय अधिकारी बताने आई। सेना के कैंप नजदीक में रहल जिला प्रशासन कार्यालय के एक भवन में विद्रोही घुसल छल, जतः वैसे आगुए अर्धसैनिक बल आ विद्रोही बीच गोली सेहो चलल छल। भवन में विद्रोही घुसला के बाद सेना कार्रवाई शुरू केने छल। भिड़ंतक क्रम में एक प्रहरी के मृत्यु भेल त एक दोसर प्रहरी घायल सेहो भेल। अहिना के कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में भेल घटना में 3 गोटे विद्रोही के मृत्यु भेल संचार माध्यम से जनने अछि। अपन नियंत्रण रेखा नजदीक घुसपैठ कर चाहने क्रम में विद्रोही मारल गेल सेना जनौलक। कश्मीर में पिछला 65 दिन में 78 गोटे के मृत्यु भेल त 10,000 नागरिक घायल सेहो भ गेल। दक्षिण कोरिया सरकार उत्तर कोरिया एक बेर फिर परमाणु परीक्षण करे के तैयारी कर रहा चेतावनी दिलक। उत्तर कोरिया परीक्षण साइट के लिए पहाड़ी क्षेत्र में एशियल फोटोग्राफ लेला के बाद दक्षिण कोरिया एहन चेतावनी देने आई। उत्तर कोरिया अखन धरि 3 परीक्षण सुरुंग में से 2 सुरुंग के प्रयोग केने दक्षिण कोरिया के विश्लेषक सब निष्कर्ष निकाललक। दक्षिण कोरिया समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार परमाणु परीक्षण कर उत्तर कोरिया पूरे तैयारी क चुकल है। कोनो समय में तेसर सुरुंग से परीक्षण कर सकत। उत्तर कोरिया अंतिम सप्ताह के शुक्र दिन परमाणु परीक्षण केने छल। ओ परीक्षण पहले के 4 परीक्षण के तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली रहल छल। जनगणतंत्र उत्तर कोरिया केने आणविक परीक्षण के संदर्भ में नेपाल सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण भेल। अमेरिका आ रूस सहित कई देश परीक्षण के निंदा करते आयल। एना का अमेरिका सहित पड़ोसी देश कोनो हमला होब के परिस्थिति में सेहो उत्तर कोरिया में भारी तबाही कर के चेतावनी देने अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। जनकपुर में जारी 7A साइड फुटबल प्रतियोगिता सोम दिन भेल दू अलग अलग खेल सब में पिराड़ी आ धौली जीतल। जनकपुर कवड़ हॉल ग्राउंड में सोम दिन संपन्न पहल खेल में पिराड़ी मुझलिया फुटबल टीम के 1-0 से हरौलक। पिराड़ी के लिए रोहित राउतक गोल निर्णायक रहा। सोम दिन संपन्न दोसर खेल में धौली फुटबल टीम आदर्श क्लब जनकपुर के 3-0 अंतर से हरौने।
नक प्रतियोगिता अंतर्गत मंगल दिन के लिए निर्धारित पहल खेल में मणिमंडप पिराड़ी के सामना करत। दोसर खेल में सलहेश युवा क्लब पिराड़ी श्री स्पोर्ट्स युवा क्लब धवोली के सामना करत। अंत में हेडलाइंस फिर से। दिल्ली में परराष्ट्र मंत्री महता भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीच भेंटवार्ता प्रचंडक भ्रमण राजकीय हैत। सरलाही के हरिवन में यात्रुवाहक बसक ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार तीन गोटे के मृत्यु। जनकपुर बिठामोड़ सड़क में मानव जंजीर प्रदर्शन मंगल दिन से महतरी की पिपरा में आमरण अनशन हैत। प्रावधिक समिति सप्ताह के अंत धरि धनसामी गांव पालिका और नगर पालिका के नक्शांकन सीमांकन सिफारिश कलेत। आ भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मी आ विद्रोही बीच भेल भिड़ंत में सात विद्रोही के मृत्यु। अपन ही जखन के लिए पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।